जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। हमने अक्सर सुना है कि मेल कैडेट्स की लाइफ NDA में कैसी होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे अबाउट लाइफ ऑफ फीमेल कैडेट्स इन NDA। NDA में कैडेट्स की लाइफ के डिफिकल्ट 3 साल गुजरते हैं, जहां वो फिजिकली और मेंटली एक सोल्जर बनने के लिए ट्रेन होते हैं। एकेडमी की ट्रेनिंग उन्हें सिखाती है सैक्रिफाइस और ऑनर। इस एकेडमी से पास आउट होके वो देश को सर्व करते हैं बाय बिकमिंग टॉप नॉच ऑफिसर्स। NDA में मेल और फीमेल कैडेट्स को इक्वल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है, दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है और दोनों ही इक्वल लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ट्रेन होते हैं। NDA अथॉरिटीज ने ऑलरेडी बोला है कि फीमेल कैडेट्स को एक सेपरेट स्क्वाड्रन मिलेगा, जिसमें नेसेसरी चेंजेस भी किए जाएंगे, लेकिन डेली रूटीन फीमेल कैडेट्स का मेल कैडेट्स की तरह ही रहेगा। फीमेल ट्रेनिंग के लिए एक डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं फीमेल के डेली रूटीन के बारे में। यहाँ दिन शुरू होता है सवेरे 5 बजे, जब एक स्पेशल अलार्म कैडेट्स को उठा देता है। सवेरे जल्दी उठने के बाद सारी कैडेट्स बेसिक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हैं और फिर जाती हैं वार्म अप एक्सरसाइज और मॉर्निंग PT के लिए। फिर 6 से 8 के बीच कैडेट्स फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करते हैं और साथ में इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग के बाद उन्हें ड्रिल के फंडामेंटल सिखाए जाते हैं। गर्ल्स के केस में एक्सरसाइज और ट्रेनिंग ऑब्स्टिकल सेम रहेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस गर्ल्स और बॉयज के बीच फिजियोलॉजिकल डिफरेंस को दिमाग में रख के किए जाएंगे। एग्जॉस्टिंग PT और ड्रिल के बाद कैडेट्स फ्रेश होते हैं और सुबह के नाश्ते के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट होता है एशिया के सबसे बड़े मेस में, जिसमें एक बार में नियरली 2100 कैडेट्स खाना खा सकते हैं। फिर 9 बजे से कैडेट्स एकेडमिक ब्लॉक में क्लासेस अटेंड करने जाते हैं। NDA कैडेट्स बैचलर्स ऑफ आर्ट्स साइंस इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं। सारे कैडेट्स को साथ में पढ़ाया जाता है और वो अपना स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट खुद चुनते हैं। फिर क्लासेस के बाद 1 से 3 बजे के बीच कैडेट्स लंच करते हैं और अपना बेसिक काम जैसे केबिन क्लीन करना, रेस्ट करना, ये सब इसी ड्यूरेशन के बीच करते हैं। 3 से 6 के बीच सारे कैडेट्स प्लेग्राउंड में दिखते हैं। NDA में कई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और स्क्वैश। इसके साथ NDA प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि हॉर्सबैक राइडिंग, स्विमिंग, राफ्टिंग, पोलो एंड शूटिंग। कई एथलीट एक्टिविटीज जैसे क्रॉस कंट्री रेस के लिए भी कैडेट्स को एकेडमी में रेडी किया जाता है। शाम 6 से 8 के बीच कैडेट्स खेलने के बाद शावर लेते हैं और उस दौरान पढ़ाई भी करते हैं। इस स्टडी टाइम का कैडेट्स फुल यूटिलाइजेशन करते हैं टू गेन नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। रात 8 से 8:30 का समय होता है सीनियर कैडेट्स की ब्रीफिंग का। सीनियर्स जो कि अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनका काम होता है जूनियर्स को ब्रीफ करना और NDA के अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताना। 8:30 से 9 के बीच कैडेट्स न्यूट्रिशियस डिनर मेस में करते हैं। उस वक्त वो दूसरे कैडेट से बात करते हैं अबाउट देयर डे एंड डिफरेंट इवेंट्स इन NDA। फिर 9 से 10 के बीच सीनियर कैडेट्स और जूनियर कैडेट्स के बीच बेसिक चिटचैट चलती है और फिर रात 10 बजे लाइट्स टर्न ऑफ हो जाती हैं, ताकि कैडेट्स एक अच्छी नींद ले सकें और अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए खुद को तैयार कर सकें। ये शेड्यूल मेल और फीमेल दोनों ही कैडेट्स का रहता है और दोनों ही कैडेट्स इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।